रहे हैं। इस वक्त हम बाग फिरदौस मस्जिद के पास मौजूद हैं, जहां रोज़ादारों के लिए इफ्तार का नज़्म किया जा रहा है। आइए यहां मौजूद भाई से हम बात करते हैं और तफसील जानते हैं। भाई, ये किसके ज़ेरे एहतमाम है? ये हमारा खुद का चल रहा है भाई, और ये 3-4 रोज़ से इंशाल्लाह इसी तरीके से 100-150 घर पर रोज़ इफ्तारी का सामान पहुँचाया जा रहा है, जहाँ पर सख्त ज़रूरत है। इसी तरीके से गणेश नगर सभी जगह हम लोग इफ्तारी का सामान, कोई दिन 150 घर, कोई दिन 200 घर, इसी तरीके से इंशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ये किसके ज़ेरे एहतमाम है? ये मेरा खुद का ही कारोबार है भाई। क्या नाम आपका? शेख फारूक शेख अहमद। अभी ये इफ्तारी के अलावा कुछ और आपका आगे? किट वगैरह बांटे, गेहूँ, चावल, तेल, शक्कर, जैसा कैंटीन जैसे समझ में आ रहा उस तरीके से हम लोग काम करते चलते। तो किसी और से कोई माली ताउन पैसा वगैरह? किसी से नहीं, ये खुद का हमारा चल रहा है। और कोई सियासी पार्टी नहीं, समाजी? नहीं, किसी से कोई इसमें कोई सामाजिक सासी कोई नहीं। और आगे भी आप यानी कि इस तरह का काम करेंगे? इंशाल्लाह इसी तरीके से काम चलन देंगे, और आगे इंशाल्लाह भी हम लोगों का तेल और शक्कर देने का मेरा खुद का प्लान हुआ है। 300 घर पे तेल और शक्कर इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से पहुँचा होगा। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी इन दिनों लॉकडाउन में अभी कुछ ही दिन बाकी है ईद उल फितर की आमद होगी, तो ईद के पेश नज़र आप क्या इंतजाम करेंगे गरीबों के लिए? इंशाल्लाह मेरा ऐसा इरादा हुआ है कि कुछ पेनी, कुछ शक्कर और कुछ घी का ऐसा क्या सिरगुरमे का सामान पूरा दिया जाए। आप और लोगों को अदारे और कल्बे को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा भाई, जिस तरीके से मैं खिदमत कर रहा हूँ, सभी इस तरीके से रोड पे आए, अभी बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे लोगों की, कि खिदमत का ये मौका अल्लाह पाक ने हम लोगों को दिया है। क्या पहली बार जो इंसान रोटी के लिए तरस रहा है, पानी के लिए दौड़ रहा है, हम लोग इसी तरीके से मेहनत करें कि डायरेक्ट उसी के पेट में जा रहा है हमारा पैसा, वाई नहीं जा रहा है, जाए नहीं जा रहा है, डायरेक्ट उस लोगों तक के जा रहा है जिन लोगों को सख्त ज़रूरत है। तो मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि इसी तरीके से लोगों की खिदमत अंजाम करें। अभी आप ये जो अफ्तारी का नज़्म किए हैं, तो ये यहीं से तकसीम करते हैं या उनके घरों तक पहुंचाते हैं? नहीं, हम डायरेक्ट घरों तक के ले जाके देते हैं, जहाँ सख्त ज़रूरत है वहाँ पर बिगर फोटो बिगर शूटिंग का ही ले जाके देते। इसमें कोई फोटो नहीं, कोई शूटिंग नहीं, कोई सासी आदमी नहीं, इसी तरीके से हम इंशाल्लाह कर रहे काम। यानी आप लोग मालूमात ले लेते हैं कि कौन मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है, फिर उसको देते हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया।